वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोगों को लग रहा होगा कल तक तो मेरे बाल थे, आज कहाँ पे गए। सो भाई मैंने कटिंग करवा ली थी कल ही, मतलब जो पिछला व्लॉग था, बट मैं परसों वीडियो बना रहा हूँ आने के। एंड आप लोगों को, हम लोग अभी खेतों में जा रहे देखने की, क्योंकि बाढ़ आई थी इधर, सो वही सब देखने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे खेतों का हाल क्या है, रुको आपको दिखाता हूँ। भाई आप लोग देख लो यहाँ पे खेतों का क्या हाल हो रखा है, समझे। इधर देख लो आप, मतलब पूरा ये वाला तो पानी बन गया पूरा, मतलब इधर उगी रही थी एंड पूरा का पूरा यहाँ पे देख लो आप। पहले तो आप देखते ना तो तालाब था एकदम, यहाँ पे बाढ़ आई है बहुत, मतलब फसलों के नीचे पानी अभी छुपा है। अब मैं आपको कुछ अभी खेत दिखाऊंगा तो आप देखना। अभी ये देख लो आप लोग, यहाँ पे पानी है पूरा अंदर की तरफ। तो आप लोग ये देख लो, मैंने आपको पिछला खेत दिखाया उसमें पानी था, ये देखो वहां पे फसलों के नीचे अभी भी पानी है। रुको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, फसलों के नीचे अभी भी पानी है, देखा आप लोगों ने। मैं आपको और भी ज्यादा खेत दिखाऊंगा ऐसे इस तरीके के। तो आगे चलते हैं, अभी बढ़ते हैं। सो अभी हम लोग अपने खेतों पे जा रहे थे, ये वाले जो मैंने आपको दिखाई ये हमारे खेत नहीं थे। हमारे खेत ना यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है, उसके बाद आता है इधर ही पास में, मैं आपको दिखाता हूँ वो स्कूल। वो स्कूल है ये वाला, ये देखो आपको जूम करके दिखाता हूँ वो स्कूल है, वो वाला आप देख सकते हो वहां पे, वो स्कूल है, वो प्राइमरी स्कूल है वहां पे। तो उसके आगे के एक खेत के हमारा शुरू हो जाता है हमारे खेत। तो मैं आपको मिलता हूँ हमारा खेत जब शुरू होता है। नहीं आप लोगों को ना उसके आगे का भी खेत दिखाऊंगा क्या हाल हो रखा है वहां पे। ये देखो इधर भी देख लो आप लोग, इधर भी देख लो पानी है पूरा, अंदर पानी है इधर पूरा। ये हमारा खेत नहीं है, ये तो अभी स्कूल के पहले के खेत है जो आपको दिखा रहा हूँ मैं। और मैं आप लोगों को बताने भूल गया, ये जो स्कूल है ना ये पहले हमारी जमीन थी, बट हमने इसको दे दिया क्योंकि हमने इसमें स्कूल बनवाया है एंड ये पूरा प्राइमरी स्कूल हमारा ही है। ये देखो ये ना हमारा पहले आम का पेड़ हुआ करता था, ये देखो एक तो सूख चुका है एंड ये अभी भी है। एंड लोग ना यहाँ पे क्या करते हैं कि गर्मियों में ना चोरी करने आ जाते हैं एंड यहाँ से सारे आम ले जाते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे तोड़ने आते हैं ना तब वहाँ पे एक भी आम नहीं बचता। ये देखो क्या हाल है आपको, रुको इधर दिखाता हूँ। ये देखो आप क्या हाल है इनके फसलों के यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ना सब परेशान हो चुके हैं इस बाढ़ से। ये देखो आप फसल है। तो हमारे खेत इधर से शुरू हो चुके हैं, आप देख सकते हो कितना बुरा हाल है, कितना ज्यादा, मतलब फसलों पहले ना यहाँ पे फसलें उगती थी लेकिन अब यहाँ पे मछलियों का डेरा बन चुका है। वो देखो पूरी फसल खराब हो चुकी है, टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है पूरी फसल। आपको आगे भी दिखाता हूँ हमारे, मतलब एक खेत हमारा 1 किलोमीटर का है एंड ये देख लो आप, ये दूसरों का खेत है, ये कोई किसी का खेत है, पता नहीं किसका खेत है, बट आप देख लो पानी इधर आपको चेक करवाने के लिए। देखा आपने, मतलब इधर ना पानी में ना मछलियां आ रही है सीधे मछलियां। अरे इधर भी अभी मछली की ना एकदम हलचल सी हुई है पानी में कोई, तो मैं आपको मिल। ये देखो अरे गन्ने के खेत थे सारे के सारे खराब हो चुके हैं भाई, मतलब खराब, देखो खराब ही खराब हो चुका है पूरा यहाँ पे। ये देखो आप, ये देखो मतलब पूरा का पूरी फसल खराब हो चुकी है यहाँ पे हमारे खेत ना, जो आपको दिखाता हूँ वो जो वहां पे नहीं दिख रहा उसके आगे का एक और, मतलब ये यहाँ पे खत्म हो जाते हैं वहां पे एंड जहाँ पे उंगली दिखा रहा हूँ तो वहां पे हमारे खत्म हो जाते हैं ना। आप लोग देखो पूरा पानी अभी भी भरा है खेतों में हमारे, ये देखो आप, ये तो किसी और का पेड़ है। इधर देखो एंड आप ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा पानी भरा है, पानी भरा है हमारे खेतों में पानी भरा है। ये दूसरों का खेत देख लो पूरा तो नदी हो चुका है। यहाँ पे पहले लगता था कि यहाँ पे फसल होती है बट अब यहाँ पे ना मछलियां रहने लग गई हैं। यहाँ पे बाढ़ की वजह से पूरा, मतलब पूरा बाढ़ आ चुकी है। उधर देखो वहां पे पेड़ दिख रहे हैं ना, वो
उसके आगे भी पूरा मतलब आसपास के 4-5 गांव पूरा मतलब पूरे वहां पे आ चुकी है। ठीक है आप लोगों ने, आसपास के जितने भी गांव है उन सब में बाढ़ आ गई है। मतलब हमारे खेतों में तो सबसे ज्यादा पानी भरा है भाई, मैं आपको बता दूं हमारे खेतों में ना पानी आप लोगों को यहाँ फसल के ऊपर से दिख नहीं रहा है, बट बहुत सारा पानी भरा है नीचे। ये देखो फसल, ये देखो पूरी फसल खराब हो चुकी है यहाँ पे। मतलब किसानों का ना इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है ना यहाँ पे, और इसके लिए ना गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है। मतलब यहाँ पे ना गवर्नमेंट का कोई नहीं, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है यूपी के गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ, और किसी ने भी मतलब कोई गवर्नमेंट कोई नहीं कर रही है। यहाँ पे पूरा खेतों पूरे वहाँ पे पड़ चुका है, बाढ़ आ चुकी है मतलब आसपास के सारे गांव में, एंड बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट को भी तो इस पे कुछ करना चाहिए, है ना गाइस। इस पे तो हमें गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि यहाँ पे बाढ़ आई है तो फिर हम जाके यहाँ बाढ़ पे मतलब यहाँ से थोड़ी लोगों की मदद हो जाए, बट नहीं यहाँ पे तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। आप लोगों को आगे एक स्कूल है, एक और स्कूल है, तो फिर वहां पे आपको दिखाऊंगा। वहां पे ना मतलब उसका पूरा भर चुका है, वहां पे आपको दिखाता हूँ, रुको। सो गाइस ये देख लो, ये स्कूल का हाल है, जो मैंने आपको स्कूल बताया था वो यही है। यहाँ पे पूरी बाढ़ की वजह से यहाँ पे स्कूल है, तो फिर पूरे पढ़ाई बर्बाद हो रही है इधर हमारा, मतलब हमारी नहीं मतलब यहाँ पे जो रहते हैं तो उन बच्चे उनकी पढ़ाई बर्बाद हो रही है। एंड मैं आपको बताने भूल गया, ये भी मेरे साथ है, देखो चल जैक्सन इधर आ, हाँ चल चल उधर चल चल, ये मतलब इतना क्यूट है ना, ये देखो जैक्सन भी आया। चलो मैं अभी चलते हैं, चलो 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 जैक्सन, ये भी आपको दिखाता हूँ, ये दौड़ता भी है, चलो। ये देखो ये भी हमारा गन्ने का खेत, हाँ ये हमारा गन्ने का खेत है, इधर भी हुआ है ऐसे तो। मतलब अब कितना आपको बताऊं कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की मदद नहीं है, तो चलो वापस चलते हैं। एंड गाइस आप लोगों ने देखा यहाँ पे किसानों को कितना ज्यादा नुकसान हो चुका है इधर, यस लोगों ने देखा जरूर। मतलब इधर हर खेत में बाढ़ है, ऐसा कोई खेत नहीं है जहाँ पे बाढ़ ना हो, ठीक है ऐसा कोई खेत नहीं है जहाँ पे बाढ़ ना हो। इधर आप लोगों को बस दिखेगा कि इधर कोई गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करी है, रद्दे भर का भी अगर कोई मदद कर दी ना वो भी नहीं करी है। मतलब यहाँ पे हर किसान यहाँ पे मुश्किल में पड़ चुका है, यहाँ पे इतनी मेहनत से लोग यहाँ फसल उगाते हैं, एंड आप लोग देख लो उनकी मेहनत पे पूरा पानी फिर गया है। एंड देखा आप लोगों ने, कर भी क्या सकते हैं इसमें, अगर कोई गवर्नमेंट मदद नहीं कर रही है यहाँ पे तो अब नेचर है, अब उसको तो हम रोक नहीं सकते ना, हम गॉड तो नहीं है, बट मतलब गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए इसमें। तो चलते हैं, अभी आप लोगों ने देखा कि स्कूल बच्चों की मतलब यार अब इसमें कर ही क्या सकते हैं, बस छोड़ो ये बात, अब दूसरी कोई बात करते हैं, बिकॉज इसी बात में उलझते रह जाएंगे। तो आप मतलब इधर कितनी ग्रीनरी होती है यहाँ पे चिल्ड्रन, तो मतलब इधर इतनी ज्यादा ग्रीनरी होती है, बट अब इधर कोई आ भी नहीं पाता बाढ़ की वजह से, जो जंगली जानवर होते हैं, बट सांप ना इधर आपको भर भर के देखने को मिलेंगे, इसलिए खेत में आप जा नहीं सकते बिकॉज इधर सांप वहां पर मिलेंगे आपको। तो चलता हूं मैंने आप लोगों को अपना घर नहीं दिखाया है ना, आपको अपना घर नहीं दिखाया, तो मैं वो भी दिखा दूंगा 2-4 व्लॉग में, भाई मेरे को भी कंटेंट चाहिए होता है, वरना हमें कंटेंट मिलता नहीं है हम यूट्यूबर्स को। कि भाई इतने सारे अभी यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई उड़ रहे हैं ना, मतलब ऐसे 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 चलना पड़ रहा है। सो गाइस आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है, तो जब तक अगली वीडियो नहीं आती तब तक के लिए पिछली वीडियो वॉच कर लो, फिर जब आ जाती है तो देख लेना। तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।